दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में ये सैमसंग J2 प्रो का मोबाइल है और इस मोबाइल में FRP लॉक है। दोस्तों आज इस मोबाइल का जो FRP अनलॉक करेंगे हम बिना किसी बॉक्स के, बिना किसी टूल के। अगर आप जानना चाहते हैं कि बिना किसी बॉक्स के, बिना किसी टूल के इसका FRP कैसे अनलॉक किया जाता है, तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहे। दोस्तों आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे EX माना YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने अगर हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया, इस घंटे को आप जरूर दबाएं ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें इसकी जानकारी आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए और आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ये सैमसंग J2 प्रो का मॉडल है और इसका जो यहां पे मॉडल नंबर आप यहां पे देख रहे हैं J210F, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि इस मोबाइल को जो इसका FRP हम अनलॉक करेंगे, इसमें आपको FRP अनलॉक करने के लिए आपको तीन चीज की जरूरत पड़ेगी। एक आपको दो सिम कार्ड और उसके बाद आपको एक मेमोरी कार्ड, ठीक है, और एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास दो सिम कार्ड है और दो सिम कार्ड में से एक जियो का सिम कार्ड है मेरे पास और दूसरा जो है मेरे पास एक एयरटेल का सिम कार्ड है। तो जियो का सिम कार्ड हम इस मोबाइल में जो है एक नंबर पर लगाएंगे और इसे एक नंबर पर इसलिए लगाएंगे ताकि इस मोबाइल में जो है इंटरनेट जो है कनेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली और इसमें इंटरनेट कनेक्शन जो है इसमें इनेबल रहे। उसके बाद इसके दो नंबर सिम पर जो है हम लगाएंगे एयरटेल का सिम और एयरटेल के सिम को जो हमने किसी और मोबाइल में जो है पहले से ही उसका जो है पिन को लॉक कर दिया है। जैसे कि पिन को लॉक करने के बाद जब पिन लॉक जब आप भूल जाते हैं तो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं पिन कोड के लिए, तो वही पिन कोड मैंने इस सिम के अंदर में जो लगा रखा है एयरटेल के सिम के अंदर में, ठीक है। इसमें मैंने जो है पिन कोड लगा रखा है ताकि इस मोबाइल में जब लगाएंगे तो इसमें जो है पिन कोड का ऑप्शन पहले आएगा और उसमें उस ऑप्शन के जरिए से हम इसका FRP अनलॉक करेंगे। तो इसमें मैंने पिन कोड पहले से ही लगा रखा है। उसके बाद आपको मैं बता दूं इस सिम कार्ड के अंदर में आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर आपको सेव करना होगा कस्टमर केयर का 121 और कस्टमर केयर के नाम से आप इस सिम कार्ड में जो सेव कर ले किसी और मोबाइल के अंदर में। उसके बाद आपको इस सिम कार्ड को लगा देना है इस मोबाइल में। उसके बाद आपको एक SD कार्ड की जरूरत पड़ेगी और उस SD कार्ड में आपको ये बाईपास FRP फाइल जो है आपको यहाँ पे इस SD कार्ड में डाल देना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में जो है एक SD कार्ड लगा हुआ है, इसमें मैंने बाईपास FRP फाइल डाल दिया। इस फाइल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस फाइल को आप देख रहे हैं ये फाइल कंप्रेसर फाइल है, इसे आपको जो एक्स्ट्रा हियर कर देना है और जब एक्स्ट्रा हियर करेंगे इस फाइल को आप तो इसमें एक फोल्डर बनेगा और इस फोल्डर के अंदर में जो तीन फाइल होगी। आप दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इसमें तीन फाइल है, इनमें से दो फाइल जो हमारे काम किए हैं, तो इस दो फाइल से है जो हम इस मोबाइल का जो FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो अभी आपको आगे दिखाते हैं कैसे हम जो है इस मोबाइल का जो J2 Pro जो सैमसंग J2 Pro है इस मोबाइल का FRP हम अनलॉक करेंगे बिना किसी बॉक्स के, बस इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो दोस्तों इसमें मैंने जो है दोनों सिम कार्ड लगा दिया, एक एयरटेल का एक जियो का, और उसके बाद मैंने एक SD कार्ड लगा दिया है। उस SD कार्ड में जो है मैंने बाईपास FRP फाइल डाल दिया है, ठीक है, और वो कंप्रेसर फाइल था उसे मैंने जो एक्स्ट्रा हियर करके उस फाइल को मैंने इस SD कार्ड के अंदर में डाल दिया है। इस SD कार्ड को मैंने इस मोबाइल में लगा दिया है। अब चलिए इस मोबाइल को हम आपको ऑन करके दिखाते हैं कि जैसे हम इस मोबाइल को ऑन करेंगे तो ये मोबाइल जो ऑन होगा इसके अंदर में जो है जो सिम कार्ड मैंने पिन लॉक किया था, ठीक है, पिन को मैंने ब्लॉक किया था, वो पिन लॉक यहाँ पे मांगा जाएगा इस मोबाइल में। तो दोस्तों जैसे ही मोबाइल ऑन होगा, ऑन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये पिन कार्ड जो पिन कोड जो है मांगा जा रहा है। ये पिन कोड जो मैंने यहाँ पे डाला था वो पिन कोड अभी हमें यहाँ पे नहीं डालना, पहले हमें यहाँ पे इमरजेंसी पर क्लिक करना है, ठीक है। डायरेक्टली हमें पिन कोड इसमें हमें नहीं डालना है सिम का, हमें यहाँ पे इमरजेंसी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है, आप डायल बटन के बगल में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पे पिन कोड डालना है, जैसे एयरटेल का पिन कोड होता है 1234, ठीक है, तो 1234 से मैंने लॉक किया है इसे और यहाँ पे मुझे जो 1234 डाल देना होगा। तो चलिए यहाँ पे 1234 हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे हमें ओके कर देना है और जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो ये हमारा जो सिम कार्ड जो ये अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद ये हमें कॉन्टेक्ट में लेके जाएगा, हमारे मोबाइल का जो कॉन्टेक्ट है वो कॉन्टेक्ट में है, ये हमें लेके चला गया। और इसके बाद यहाँ पे जो हमने एयरटेल कस्टमर केयर का जो नंबर मैंने डायल किया था इसमें सेव करके रखा था उसी में पहले से 121 कस्टमर केयर के नाम से। तो जैसे हम यहाँ पे कस्टमर केयर लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आप यहाँ पे दिखा रहे हैं हमारे कॉन्टेक्ट का ये कस्टमर केयर दिखा रहा है। जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है कॉलिंग होना शुरू हो गया। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट काट देना है, जैसे हम काटेंगे यहाँ पे बगल में यहाँ पे मैसेज का एक ऑप्शन है, आइकन है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। और जैसे हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ईमेल आईडी डालना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम एक ईमेल आईडी डाल देते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ईमेल आईडी हमने डाल दिया, उसके बाद हमें यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना। जैसे हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल आईडी यहाँ ऊपर में शो कर रहा है। दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं ईमेल आईडी जो हमारा जो है ऊपर में शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमें जो है कुछ देर के बाद जो है डबल क्लिक करना है, उसके बाद जैसे हम डबल क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ सबसे ऊपर में आ देना सेंड ईमेल, सेंड ईमेल पे हमें क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं दो ऑप्शन है, एक जीमेल का एक ईमेल का, तो हमें यहाँ पे ईमेल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमें जो फिर से अपना ईमेल आईडी डाल देना है। चलिए फिर से यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे दोबारा फिर से ईमेल आईडी डाल दिया, उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे ये प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर से यहाँ पे ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। तो फिर से यहाँ पे हमें दोबारा ये ईमेल आईडी डाल देना है, उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तीसरी बार जब मैंने ईमेल आईडी डाला उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा है। चलिए हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने पासवर्ड डाल दिया है, चलिए अब हम साइन इन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने जो पासवर्ड थोड़ा गलत डाल दिया, इस वजह से ये इस तरह से लिख रहा है। ठीक है, चलिए फिर से दोबारा हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, फिर से हम अपना पासवर्ड यहाँ पे डालते हैं, उसके बाद हम साइन इन करते हैं। तो दोस्तों हमने पासवर्ड डाल दिया है, उसके बाद ये जो है ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने पासवर्ड डाला साइन इन पे क्लिक किया, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ चुका है, इस तरह का आइकन आ चुका है हमारे मोबाइल में। उसके बाद हमें यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं चेकिंग सर्वर इनकमिंग सर्वर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं अटैच का ऑप्शन आ चुका है, और इस अटैच पे जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट हमारे जो है मोबाइल के जो है डिवाइस में लेके जाएगा और हमारे गैलरी में लेके जाएगा। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे गैलरी आ चुका है, थोड़ा सा हम इस तरह पे जो स्क्रॉल कर रहे हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा गैलरी आ चुका है, हमारा फाइल आ चुका है। तो यहाँ पे हम फाइल पे क्लिक कर देंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमने जो एसडी कार्ड लगाया था अपने मोबाइल में, वो एसडी कार्ड पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद ये देखिए जो फाइल हमने यहाँ पे डाला था सैमसंग बाईपास, ठीक है, एफआरपी वाला फोल्डर, उस फोल्डर पे मैं जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखिए दो फाइल दिखा रहा है। सबसे नीचे वाला फाइल को हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना है, आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले नीचे वाले फाइल को सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है, इस पर हमें क्लिक करना है, उसके बाद इस फाइल को हमें इंस्टॉल कर देना है। तो ये फाइल आपको गूगल अकाउंट मैनेजर जब हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ हमें एक्सेप्ट करना है, और ये जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद दोबारा जो है हमें दूसरी फाइल को इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे, लेकिन ओपन का आप देखिए आप नीचे में ओपन का यहाँ ऑप्शन नहीं आया है, इसे हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद फिर से हम जाएंगे अटैच पे, फिर से हम अपने गैलरी में जाएंगे, अपने माई फाइल में जाएंगे, माई फाइल पे क्लिक करने के बाद फिर से हम एसडी कार्ड में जाएंगे, उसके बाद फिर उसी फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, सैमसंग एफआरपी बाईपास का जो फाइल है इस पे हम फोल्डर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें बीच वाले जो फाइल है इस फाइल पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, इस फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे ऊपर में यहाँ पे डन का ऑप्शन है, डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फाइल आ चुका है, और इस फाइल को अब हम फिर इस मोबाइल में जो है इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एफआरपी बाईपास फाइल हमारा इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे ओपन का जो ऑप्शन आ चुका है, इस ओपन के ऑप्शन पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है, और जब इस ओपन के ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे कोई आईडी पासवर्ड कुछ भी नहीं देना है। उसके बाद सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ कि आप सबसे ऊपर में थोड़ा सा यहाँ देख लें, यहाँ पे तीन गो बूंदा ऊपर में दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ब्राउजर साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद
यहाँ पे आपको अपना जो ऑन आपका ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी से या किसी भी ईमेल आईडी से आप जो ईमेल आईडी ऑन है उस ईमेल आईडी से आप यहाँ पे जो है साइन इन कर देंगे इस मोबाइल को। और इस मोबाइल को जब इस अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से साइन इन कर देंगे तो आपका जो FRP यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। तो आगे भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आगे आपको और कौन कौन से प्रोसेस करने होंगे। तो दोस्तों पहले मैंने ईमेल आईडी डाल दिया, उसके बाद हमने पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद हमें साइन इन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारा ये मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली जो है लॉगिन हो रहा है, साइन इन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, ये लास्ट ऑप्शन था हमारा। उसके बाद हमें और कुछ नहीं करना है, हमारा मोबाइल का जो FRP अनलॉक हो चुका है। अब हमें यहाँ पे बैक कर देना है, वापस बैक जाना है, सारे सिस्टम को हमें बैक कर देना है। तो दोस्तों हम वापस यहाँ पे FRP पे वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ चुका है, नेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे जो है कोई भी FRP लॉक नहीं है, यहाँ पे हमारा FRP अनलॉक हो चुका है। हमें यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करके हमें इस मोबाइल को जो है यहाँ पे सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि आगे आपको डिवाइस मैनेजर में जब ये मोबाइल पूरी तरह से ऑन हो जाएगा, जब इस मोबाइल के अंदर में हम चले जाएंगे, तो इस मोबाइल के अंदर में जाने के बाद फिर हमें भी और भी थोड़ा सा कुछ वहाँ पे करना होगा। मैं आपको समझा दूंगा कि वहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद जब ये मोबाइल अभी ऑन हो जाएगा पूरी तरह से, डिवाइस मैनेजर पे हम जब जाएंगे, डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद हम वहाँ पे थोड़ा सा कुछ और भी करेंगे। वहाँ पे हमें सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद वहाँ हमें अबाउट में जाना है, अबाउट में जाने के बाद हमें बिल नंबर पे क्लिक करना है 7 बार। उसके बाद वहाँ पे जो है हमें उसका जो है OEM अनलॉकिंग इनेबल करना है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ करके पूरी तरह से वीडियो, आप थोड़ा सा देख लें पहले यहाँ पे कंप्लीट FRP रिसेट करने के लिए। आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल जो है ऑन हो चुका है। चलिए हम मोबाइल पे आ चुके हैं। अब हम मोबाइल के सेटिंग में गए, मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट में, सबसे नीचे अबाउट में हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन भी क्लिक करना है। उसके बाद बिल नंबर पे हमें 7 बार क्लिक करना है। हमारा जो है डेवलपर ऑप्शन है वो बाहर आ चुका है, इस डेवलपर ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे OEM अनलॉकिंग हमें इनेबल कर देना है। उसके बाद इसका जो फैक्ट्री हमें यहाँ पे रिसेट कर देना है, तो यहाँ पे डाटा फैक्ट्री को हमें रिसेट कर देना है पूरी तरह से। उसके बाद हमारा जब ये डाटा फैक्ट्री रिसेट होगा, हमारा मोबाइल जो है उसके बाद रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद ये मोबाइल जब ऑन होगा फिर उसी तरह से हमें यहाँ पे जो है इसका सेटअप कर देना है, उसके बाद हमारा मोबाइल जो है कम्प्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो उस घंटे को आप जरूर दबाएं ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें इसी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए और आसानी से देख सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।